अय्यूब की पुस्तक अध्याय पांच। अय्यूब की पुस्तक अध्याय पांच। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? क्योंकि मूढ़ तो खेत करते करते नाश हो जाते हैं, और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को धिक्कारा। उसके लड़के बाले उद्धार से दूर है, और वे फाटक में पीस जाते हैं, और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, परन कटीली बाढ़ में से भी निकाल लेते हैं, और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा, और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, और दिन दोपहर ही में वे रात की नाई टटोलते फिरते हैं। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है, और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे छह विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन सात से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। वो अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरे संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगे। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्रों को पहुंचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है। इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख।